एक्सरसाइज 8.3 क्लास एंथ यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cos a के माइनस 1 cos a के प्लस 1। तो ये पूछा जाए तो ये इसका जो आंसर है ना, cos a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन sin a और cos a का 1 अपॉन sin, ये तो sin a की फॉर्म है। ये cot a की फॉर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हमने इसे ले लिया cot a माइनस cos a cot a प्लस cos a। अब हम यहाँ पर cot a होता है cos a अपॉन साइन ए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो हम इसको यहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो हम इसे पुट अप करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर cot a को लिख देंगे आप cos a अपॉन साइन ए, और यहाँ पर माइनस cos a एज इट इज आ जाएगा, और इसके नीचे वन लेना है तो ले लो, अदरवाइज वैसा लिखा रहने दो। नीचे cot a आएगा तो cot a cos a अपॉन साइन ए आएगा, cos a अपॉन साइन ए आ जाएगा, और प्लस cos a आ जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे बन ले सकते हैं। ये स्टेप आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी, लिखने का काम आप बाद में कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए, यही समझदारी है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर cos a ऊपर से कॉमन निकाल लो तो इजी हो जाएगा, तो cos a कॉमन निकाल लो, ये बचेगा यहाँ से cos चला गया तो बन तो बचेगा sin a, कंसेंट्रेशन 200%। यहाँ पर इधर उधर देखोगे आप कभी भी पढ़ नहीं सकते हो, cos a चला गया तो बन तो बचेगा, बन तो सब जगह बचता है, कॉमन लेने पर cos a यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या आएगा, cos a चला गया 1 अपॉन sin a, cos a चला गया तो प्लस 1, हैव यू गॉट इट, ये समझ में आ गया, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। अब हमने देखो क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है 1 अपॉन sin a, ये रेशो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो ये होता है 1 अपॉन sin a cos a के होता है, और 1 अपॉन cos a sec के होता है, पर हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, 1 अपॉन sin a, 1 अपॉन sin a क्या हो जाएगा cos a माइनस 1, और नीचे 1 अपॉन sin a क्या आ जाएगा cos a प्लस 1। तो फिर देख लीजिए ये क्या है आपका, यही तो राइट हैंड साइड है, यही तो आपको प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, हमने cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a, cot a को लिख लिया cos a अपॉन sin a, और फिर इसे लिखने के बाद cos a को कॉमन ले लिया 1 अपॉन sin a माइनस 1, cos a कॉमन ले लिया 1 अपॉन sin a प्लस 1, 1 अपॉन sin a cos a की होता है माइनस 1 एज इट इज, 1 अपॉन sin a cos a की होता है प्लस 1 एज इट इज, यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूव करना थी। ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। अब इसी में हम एग्जांपल, ये कौन सा था, अब टेंथ करेंगे इसी एग्जांपल 10, प्रूव दैट sec a इन ब्रैकेट 1 माइनस sin a इन सेकंड ब्रैकेट sec a प्लस 10 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है उसको हमने सिलेक्ट किया sec a 1 माइनस sin a sec a प्लस 10। अब आप यहां पर देख लीजिए, सिंस sec a होता है 1 अपॉन cos a, ये यूज होगा एंड, और क्या यूज करेंगे, और tan a यूज करेंगे, tan a क्या होता है ऊपर आएगा sin a और नीचे आएगा cos a, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इनका यूज करो। sec a को क्या हम दे देंगे, sec a को दे दीजिए आप 1 अपॉन cos a, एज इट इज लिखा रहने दो cos 1 माइनस sin a, इसे टच मत करिए। अब sec a को क्या लिखो 1 अपॉन cos a, और tan a क्या लिखा जाएगा sin a अपॉन cos a, हैव यू गॉट इट, अच्छा जी, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस sin a यही रहेगा, और ये cos a एज इट इज रहेगा, और इनटू यहां पर एलसीएम क्या आएगा, cos a का एलसीएम क्या आएगा cos a, 2 और 2 का एलसीएम 2, 3 और 3 का एलसीएम 3, सिमिलरली cos a cos a cos a आ जाएगा। बोर्ड पर ध्यान रखिए, लिखना बंद करिए,
कौन से कट गया वन, कौन से कट गया वन प्लस साइन ए। अब जरा हम ध्यान से देखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर क्या यूज होगा ए माइनस बी ए प्लस बी यूज होगा कि नहीं होगा, वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, ए माइनस बी ए प्लस बी होगा। तो यहाँ पर आप ए माइनस बी और ए प्लस बी इसका जो प्रोडक्ट होता है अनादि काल से और आदि काल तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे जमाने में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, आपके जमाने में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर वन आएगा, और साइन का क्या आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। और यहाँ पर अब आपका कॉस ए कॉस ए कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए आ गया। वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए आ गया। कॉस स्क्वायर ए पहले से था तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया वन राइट हैंड साइड। एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, वन माइनस साइन ए सेके एजिटी, वन माइनस साइन ए एजिटी सेके प्लस टेन ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो सेके होता है वन अपॉन कॉस ए और टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, सेके को लिखा वन अपॉन कॉस ए इंटू वन माइनस साइन ए एजिटी सेके वन अपॉन कॉस ए, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए वन का मल्टीप्लाई किया वन माइनस साइन ए ये कॉस ए आ गया इंटू वन अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए एलसीएम आ गया तो यहाँ से कॉस कट गया वन और कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ साइन ए आया और वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया वन राइट हैंड साइड। हेंस ये आपका एग्जाम्पल टेंथ हुआ। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल टेन और इलेवन है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स होंगे। थैंक्स फॉर इस वीडियो में एग्जाम्पल नाइन करने जा रहे हैं, टेन भी हो गया इलेवन भी। इसमें कहा है एक्सप्रेस द रेशो कॉस ए टेन ए सेक ए, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उन्हें किस फॉर्म में बदलना है, साइन ए में आंसर लाना है, किसमें लाना है साइन। तो देखिए अब आप कॉस ए कॉस ए कॉस ए को किसमें बदलना है, कॉस ए को साइन ए में बदलना है। पढ़ाई में मन लगेगा तो अच्छा फल मिलेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो फल अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब पास नहीं हो गए, पास हो गए तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छे मार्क्स के लिए इधर देखिए आप, हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आइडेंटिटी पढ़िए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, हमें कॉस ए को पकड़ के रखना है, क्यों पकड़ के रखना है, कॉस ए को ही तो बदलना है, साइन स्क्वायर ए इधर चला गया, ये आइडेंटिटी होती है। सिंस देयरफॉर कॉस ए विल बी वन माइनस साइन स्क्वायर ए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, ये आपका स्क्वायर यहाँ से हटेगा स्क्वायर रूट, तो कॉस ए कन्वर्ट हो गया किसमें कन्वर्ट हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में, साइन ए की फॉर्म में हो गया, फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, ये है आपका टेन ए, अब इसे हम सोल्व कर रहे हैं, इधर देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। टेन ए क्या होता है जल्दी बोलो, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपसे हम कहना चाह रहे हैं साइन ए तो पहले साइन ए है, इसे क्यों छेड़ना है, इसे कोई डिस्टर्ब मत करो। कॉस ए क्या आया था थोड़ी देर पहले वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब मैथमेटिकल स्पेक्ट्स लगा करके देखिए, मैथमेटिक्स स्पेक्ट लगा करके देखिए, न्यूमरेटर भी साइन ए के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर भी साइन ए के फॉर्म में है। अब हम बात करने जा रहे हैं, किससे बात कर लें, अब हम सेक ए से बात कर लें, जिसको बोलेंगे थर्ड पार्ट सेक ए, वो भाई सेक ए हमें किसमें बदलना है साइन की फॉर्म में, सेक ए
क्या होता है sec a? 1 अपॉन cos a, और cos a क्या होता है? रूट 1 माइनस sin square a। तो अब आप अपने मैथमेटिकल स्पेक्ट्स लगा करके देखिए, cos a किसमें कन्वर्ट हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin square हो गया। tan a किसमें कन्वर्ट हो गया? sin a अपॉन रूट 1 माइनस sin square a। sec a किसमें कन्वर्ट हो गया? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस cos a tan a sec a तीन दे दिए हैं, तीनों को किसमें बदलना है? आपने किया काम। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।